हम बातों की इस रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में, खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए, तेल बचाए। जल है जीवन, आओ सबको ये समझाए, ये समझाए। दूजा वादा पेड़ों पर हम फूल खिलाए, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए। एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है। खोलकर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक ठुमकल एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में, खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं छवि और मैं हूं विशाल, और स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। अवल छवि, प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूं, तुम्हें आसपास कहीं कोई आवाज तो नहीं सुनाई दे रही? आवाज? तुम्हारी आवाज के अलावा तो और कोई भी आवाज नहीं आ रही, क्यों? तुम्हारी चूड़ियों की नहीं आ रही? तुम चूड़ियों की आवाज के बारे में पूछ रहे थे? नहीं 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 नहीं, तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। गुड, मुझे भी कोई आवाज नहीं आ रही। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मुझे लगा शायद तुम कोई आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हारे कान बहुत तेज है, इसलिए मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि कहीं कोई आसपास में नल वगैरह तो नहीं खुला, टपकने की आवाज तो नहीं आ रही पानी के? यू नो विशाल, नल से पानी टपकने की आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कहीं पर भी ये आवाज आती है तो मैं फौरन जाकर नल बंद करती हूँ, चाहे वो कहीं पर ही क्यों ना हो। भाई एक तरफ आप हैं छवि जी, और एक तरफ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं, काम खत्म हो गया मगर नहीं साहब, वो नल नहीं बंद करेंगे, यूं चलते बनेंगे या फिर नल ठीक से बंद नहीं करेंगे, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इससे। बिल्कुल सही, और पानी की एक एक बूंद बचाना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लेते तो सच मानिए, आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करने वाले हैं। बट छवि, आई डोंट थिंक हमें इतना ज्यादा मॉर्बिड होना चाहिए, क्योंकि हमारा शो जो है वो पूरा एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो चलिए उसे शुरू करते हैं जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। आज के हमारे राउंड्स की शुरुआत करने से पहले मुलाकात करते हैं हमारी आज की टीम से। सबसे पहले टीम शक्ति, जो आई है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से। हमारी दूसरी टीम, टीम रक्षक, जो आई है कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज गोरखपुर यूपी से। और अब मुलाकात करते हैं हमारी स्कोरर बूंद से। और बूंद के साथ साथ चलिए स्वागत करते हैं हमारे उन दोस्तों का जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में, यानी कि हमारी ऑडियंस। और अब शुरुआत करते हैं आज के पहले राउंड से जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। भाई जैसे कि हमारे पहले राउंड का नाम ही है कुछ कर दिखाना है, तो इसमें हमारे दोनों टीम्स यानी टीम शक्ति और टीम रक्षक आपके सामने परफॉर्म करेंगी कंजर्वेशन या पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी मैसेज अपने स्किट के द्वारा, और उसे जज करेंगे हमारे ऑडियंस। तो आइए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं टीम शक्ति को। तान्या, तान्या, गुरजोत दोनों इधर आओ, जल्दी आओ। जी मम्मी। तान्या बेटा, मैं पानी का बिल जमा कराने जा रही हूँ, तुम रसोई में जाके सब्जियां धो लेना। सब्जियां? जी धो दूंगी। और गुरजोत बेटा, तुम बाहर बगीचे में जाके पौधों को पानी दे देना, बेचारे सूख गए हैं। जी मम्मी। ट्रेन 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 ट्रेन। ओहो, अब किसका फोन आ गया? ट्रेन ट्रेन। हेलो, हाँ अभी बुलाती हूँ। भैया भैया, तुम्हारा फोन है, जल्दी आओ। अच्छा आता हूँ। हेलो, हाँ क्या हाल है? घर में पानी नहीं है? मुझे पता था, जब पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारा टॉयलेट का फ्लश लीक कर रहा था, टंकी तो खाली होनी ही थी। टिंग टांग टिंग टांग। अरे ताना देखो तो कौन आया है। हाँ अभी देखती हूँ। हाय खुश। हाय ताना, क्या हुआ? ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है यार? ये आंटी की टंकी ऐसी है। मैं बोलूँ क्या? बोलो। आंटी जी, आपके छत की टंकी से पानी बह जा रहा है, पंप बंद करो। बेटा मैं रानी घर घर की देख रही थी, भूल गई, अभी कर दूंगी। घर की रानियों को तो पानी की परवाह ही नहीं है,
पानी बहता ही रहता है। तुम वो सब छोड़ो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम मेरे बहुत। मैंने एक नई किताब खरीदी, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो। ये बच्चे भी ना नलकूला ही छोड़कर चले जाते हैं। गुरजोत तुम यहाँ खड़े हो? मैंने तुम्हें बाहर बगीचे में जाके पौधों को पानी देने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ खड़े हो और ना पानी यूं बहे जा रहा है। ओहो, और यहाँ किचन में भी। तानिया मैंने तुम्हें सब्जियां धोने कहा था या टंकी खाली करने को? जी मम्मी मैं। हे भगवान, मैं तो इन बच्चों की हरकतों से परेशान आ गई हूँ। यही नहीं, ये लोग तो बाथरूम में भी शावर खुला छोड़कर खुद गाने गा रहे होते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तुम लोग पानी के महत्व को क्यों नहीं समझते? इसकी बूंद बूंद कीमती है। ये कहानी सिर्फ इस घर की नहीं, घर घर की है। हमें पानी की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, इसकी बूंद बूंद में हमारी जान है। पानी है अनमोल, हम समझे इसका मोल। पानी है अनमोल। हाय रे पानी, हाय रे पानी, हाय रे पानी। टीम शक्ति की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है टीम रक्षक की। उफ़ो, ये मुआ स्टोव है या मुसीबत, जलता ही नहीं, बस तेल पीता जाता है। रागनी, अरे ओ रागनी, कहाँ हो? अरे दोनों भैया एक साथ, कहो रास्ता भूल गए क्या? आज अचानक बहन की याद कैसे आ गई? सब ठीक है ना? अरे हम सब तो ठीक हैं, पर ये क्या तुम्हारा चेहरा लाल और आंखों में आंसू भी? देखो ना भैया, कभी से स्टोव जला रही हूँ पर बार बार बुझ जा रहा है। अब तक तो मेरी सब्जी भी पक गई होती। और तब तो लगता है तुम आज चाय नहीं पिलाओगी। रुको देखती हूँ। ओहो रागनी, कितनी बार समझाया बत्ती वाला न्यूटन स्टोव प्रयोग करो, किंतु तुम मानती ही नहीं, बस अपनी की अपनी। अरे देखो ना इस स्टोव से कितना केरोसिन जमीन पे पस रहा है, अरे इतने में तो संपूर्ण भोजन भी पक गया होता। पर भैया दुकानदार तो इसी स्टोव को बढ़िया स्टोव बताता है। अरे उसके कहने से क्या होता है, अपनी लालटेन रानी को ही तो देखो, कहने के लिए तो जल रही है पर रोशनी कितनी देती है पता है? देख बहन, परंपरागत स्टोव की ईंधन कुशलता अच्छी नहीं होती और बत्ती वाले नूतन स्टोव की ईंधन कुशलता बहुत ही अच्छी होती है। इसमें केरोसिन की बर्बादी नहीं होती। तुम ही सोचो, अगर इसी तरह केरोसिन की बर्बादी होती रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग बूंद बूंद केरोसिन के लिए तरस जाएंगे। मैं क्या करूं भैया, मैं तो खुद ही परेशान हूं, केरोसिन खरीदते खरीदते तो मैं थक ही गई हूं। कहाँ है उसकी दुकान जहाँ से तुमने स्टोव और लालटेन खरीदा है? यही पास ही में है। चलो चलते हैं। चलो। और कहिए साहब क्या दिखाऊं? भैया यही है वो दुकानदार जो घटिया स्टोव और लालटेन को बढ़िया स्टोव और लालटेन बताता है। कहिए क्या चाहते हैं आप लोग? अरे एक तो चोरी करता है, ऊपर से सिनाजोरी भी। क्यों क्यों करता है ऐसा? क्या तुमने न्यूटन स्टोव के बारे में नहीं सुना क्या? पता है साहब, वो तो चार पैसों की बचत के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ये रहा आपका बत्ती वाला नूतन स्टोव, इसमें तेल की बचत होती है और खाना भी जल्दी पक जाता है। और लालटेन? उसमें भी वही बात है, बढ़िया लालटेन तेल कम पीती है और रोशनी देती है चकाचक, पर इसकी कीमत कुछ ज्यादा है। बस बहुत हो गया, ज्यादा पट्टी मत पड़ा। अरे इससे तेल की बचत भी तो होती है, सब ले देके बराबर। अब छोड़ो भी भैया, जो हुआ सो हुआ, हम तो समझ गए। अब आगे से मैं हमेशा नूतन लैंप व स्टोव का प्रयोग करूंगी। जी हाँ हम तो समझे, पर क्या आप भी समझ जाइए। तेल बर्बाद करने वाले लैंप व स्टोव हटाइए और नूतन लैंप व स्टोव मंगाइए। डीजल और पेट्रोल बचाइए, केरोसिन की खपत घटाइए। खनिज तेल भी सोना है, अब इसे ना खोना है। उत्तम यह संकल्प हमारा, घर हमें पहले उजियारा। तो जजमेंट के लिए चलिए वो करते हैं ऑडियंस की तरफ। सबसे पहले आप बताएं कि आपने टीम शक्ति को कितने अंक दिए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारी ऑडियंस ने टीम रक्षक को कितने पॉइंट्स दिए हैं, बताइए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बूंद टू कम इन एक्शन। बूंद, इस राउंड के स्कोर्स क्या है? इस राउंड में हमारी शक्ति टीम को मिलते हैं 305 पॉइंट और हमारी रक्षक टीम को मिलते हैं 275 पॉइंट।
इसके साथ ही पहला राउंड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन बाकी के राउंड्स तक आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, वी बी राइट बैक। खेल खेल में बदलो दुनिया। Petroleum Conservation Research Association. अधिकतम कार निर्माता इसी गति पर चलाने का परामर्श देते हैं। अपनी गाड़ी की स्पीड के अनुसार ही गियर बदलें। Petroleum Conservation Research Association. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। भारी वाहनों में बढ़ती हुई तेल की कंजम्पशन को देखकर तेल की एक एक बूंद बचाना बहुत जरूरी हो गया है, और ये काम सबसे बेहतर तरीके से ड्राइवर्स ही कर सकते हैं। और इस काम में ड्राइवर्स की मदद करने के लिए एक नई युक्ति बनाई गई है, और ये युक्ति किस तरह से मदद करती है आइए देखते हैं हमारी इस क्लिपिंग में। लेकिन फॉर द टीम्स, आप इस क्लिपिंग को बहुत ही गौर से देखिए, क्योंकि इस राउंड के हमारे जो सवाल हैं वो इसी क्लिपिंग पर बेस्ड हैं। सो हियर्स द क्लिपिंग। विकसित राष्ट्र का अर्थ है एक विकसित परिवहन उद्योग, इसीलिए देश में दिन प्रतिदिन व्यावसायिक वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में ईंधन का उपयोग होता है। आज परिवहन उद्योग एक बड़े प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। बदलते दौर में जहां कस्टमर की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो वहीं आए दिन डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद प्रतिस्पर्धा के कारण किरायों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसी कारण प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कम होते प्रॉफिट्स के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं इन व्यावसायिक वाहन चालकों की बैड ड्राइविंग हैबिट्स, जैसे एक नियत गति से तेज वाहन चलाना, गियरों का सही इस्तेमाल ना करना, बार बार ब्रेक लगाना और क्लच पर पैर रखना, और ऐसी बहुत सी गलत आदतें जो ईंधन की खपत को बढ़ावा देती हैं। इन्हीं आदतों पर नजर रखने और ईंधन की खपत को कम करने के लिए बाजार में एक फ्लीट लॉक नाम की डिवाइस पेश की गई है। फ्लीट लॉक में मुख्य रूप से चार उपकरण होते हैं, फ्यूल मॉनिटर, ट्रिप डाटा लॉगर, डिस्टेंस मॉनिटर और डाटा डाउनलोडर। फ्यूल मॉनिटर को गाड़ी के फ्यूल टैंक के साथ जोड़ दिया जाता है, डिस्टेंस मॉनिटर को स्पीडोमीटर के साथ लगा दिया जाता है, ट्रिप डाटा लॉगर को ड्राइवर के सामने फिट कर दिया जाता है, जो फ्यूल मॉनिटर और डिस्टेंस मॉनिटर से मिलने वाले संकेतों को रिकॉर्ड करता है। एक तरह से ये गाड़ी का ब्लैक बॉक्स होता है। ट्रिप पूरी होने के बाद इसमें डाटा डाउनलोडर को लगाकर सारे डाटा को डाउनलोड कर लिया जाता है। फिर इस डाटा डाउनलोडर से किसी भी पीसी या कंप्यूटर में लगाकर तमाम जानकारियों को डाउनलोड कर लिया जाता है। इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट टुडे दैट द ओनली पॉसिबल वे ऑफ सेविंग फ्यूल इन अ कमर्शियल व्हीकल इज चेंजिंग ड्राइविंग हैबिट एंड नॉट एनी अदर जिमिक्री व्हिच इज डन इन द मार्केट लाइक एडिंग एडिटिव्स और एडिंग सम मॉडिफिकेशंस टू द इंजन एंड ऑल। So quantifying the habit and showing it to the driver what he is actually doing to the vehicle or how he is driving the vehicle is the crux of this product. It puts in front of the driver what he has done and what he should be doing. So this is the basic purpose of introducing this product. This product is aimed at all commercial vehicle users like transport trucks, then the transport passenger buses, taxis and all these segments can take advantage of this product. Fleet log. ट्रिप के दौरान ड्राइवर की हर ड्राइविंग हैबिट को रिकॉर्ड करता है, जैसे किस गियर में कितनी देर गाड़ी चलाई गई और किस गति से चलाई गई, गाड़ी ने क्या माइलेज दिया, ये सब ट्रिप डाटा लॉगर में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे ट्रिप की समाप्ति पर वाहन मालिक अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रिकॉर्ड की शक्ल में देख सकता है। ये सारी सूचनाएं तीन रिपोर्ट्स के रूप में आती हैं। Fleet log basically focuses on the vehicle efficiency, that is the mileage, giving you information on the mileage, and it focuses on the safety of the vehicle.
पहली रिपोर्ट होती है ड्राइवर की एफिशिएंसी और सेफ्टी के बारे में, जिसमें इससे संबंधित डाटा होता है, और दूसरी रिपोर्ट ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में होती है, और तीसरी रिपोर्ट होती है सेंसर डायग्नोस्टिक्स की। फ्लीट लॉग इज अ वेरी यूनिक फीचर इन द सेंस इट प्रॉम्प्ट्स द ड्राइवर टू ड्राइव इन अ पर्टिकुलर फैशन व्हाइल ही इज ऑन हिज सीट एंड व्हाइल ही इज ऑन द रोड। एक्चुअली द ड्राइवर इज प्रॉम्प्टेड टू यूज अ प्रॉपर गियर बाय एन ऑडियो सिग्नल। If he drags in a particular gear and if he is speeding in a particular gear and if he is supposed to change the gear and go to the next gear, there is an audio beep which is given which prompts the driver and keeps it in track. व्यवहारिक रूप से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि बिना फ्लीट लॉक के एफिशिएंसी जहां 3.8 किलोमीटर प्रति लीटर रहती है, तो वहीं फ्लीट लॉक लगाने के बाद ये एफिशिएंसी बढ़कर 4.5 किलोमीटर प्रति लीटर हो जाती है। और यही कारण है कि आज फ्लीट लॉग की उपयोगिता को देखकर फ्लीट लॉग ओनर इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। Well, I'm sure, अब वो ब्लैक बॉक्स या वो इंस्ट्रूमेंट मैं भी अपनी कार में इंस्टॉल कराने की सोच रहा हूँ। If it is possible। बहुत फायदा होगा ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ? मतलब you doubt my driving skills? Absolutely not। Okay, let's go ahead। चलिए, सवाल पूछने से पहले मैं आपको इस राउंड के रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये राउंड एक बजर राउंड है। हम आपसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आप बजर दबाकर ही दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि सवाल खत्म होने से पहले आप बजर नहीं दबाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप उस सवाल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और मौका दिया जाएगा दूसरी टीम को। ऑलराइट गाइस, सो रेडी? पहला सवाल, मोटर वाहन चलाते समय चालकों की वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे ईंधन का खर्च बढ़ता है? रक्षक। सर, तेज गति से हम जब गाड़ी चलाते हैं तो नियमित रूप से नहीं चलाते हैं और क्लच का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और ब्रेक भी ज्यादातर लगाते हैं, और किस गियर में हम कितना एक्सेलरेटर लेते हैं इसका ठीक से ध्यान नहीं होता है हमें। बार बार ब्रेक वगैरह लगाते हैं आप लोग? वो भी एक रीजन है। मार्क्स आपको पूरे दिए जाएंगे, दैट्स द राइट आंसर। और अब इस राउंड का दूसरा सवाल, फीट लॉक के मुख्य उपकरणों के नाम बताइए। रक्षक अगेन। फ्यूल मॉनिटर, डिस्टेंस मॉनिटर एंड डाटा वॉच लॉडर। दैट्स इट। टीम शक्ति, वी वुड लाइक टू गिव यू अ चांस। आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? इसके अलावा कुछ बता सकते हैं आप? फ्यूल मॉनिटर। इसके अलावा डाटा डाउनलोडर। एंड डाटा डाउनलोडर। दैट्स इट। ओके, इससे ज्यादा समय हम आपको नहीं दे सकते, ये एक बजर राउंड है, बट नेवरदलेस टीम रक्षक ने भी कुछ पॉइंट सही बताए और टीम शक्ति ने भी। वेल, टीम शक्ति, टीम रक्षक, मैं आपके लिए पूरा सही जवाब पढ़ देता हूं। द आंसर इज फ्यूल मॉनिटर, ट्रिप डेटा लॉगर, डिस्टेंस मॉनिटर एंड डेटा डाउनलोडर। ये चार उसके उपकरण होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आपने क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स बताया और सही थे आप, इसलिए ये 100 पॉइंट्स आपको ही मिलने चाहिए। वेल, नेवरदलेस, अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास है। टीम शक्ति, आर यू रेडी? बी शार्प ऑन बजर दिस टाइम। एंड टीम रक्षक, ट्राई एंड गेट लकी। फ्लीट लॉक से कौन सी तीन रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं? रक्षक अगेन। सर, सेंसर टेक्नोलॉजी, ओवरहॉल, ड्राइवर की एफिशिएंसी, ओवरऑल, और किस गियर में कितनी तेज माइलेज एंड किस गियर में कितनी तेज। आई एम सॉरी, आप ये जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाए, तो टीम शक्ति, वुड यू लाइक टू ट्राई? ओवरऑल ड्राइवर एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड सेंसर डायग्नोस्टिक्स, माइलेज। जस्ट यू मिस्ड ऑन वन थिंग, दैट वाज अ सेफ्टी रिपोर्ट, बट स्टिल टीम शक्ति, दिस इज योर आंसर। भाई, दिस इज रियली ग्रेट। बजर में वो भले पिछड़ गया, लेकिन फिर भी मौका मिलते ही उन्होंने चौका मार ही दिया। और अब एक बार फिर से चलते हैं बून के पास जानने के लिए इस राउंड का स्कोर। शक्ति टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स। यहीं पर राउंड 2 समाप्त होता है। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड राउंड, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। मैं गाड़ी का समय समय पर प्रदूषण चेक कराता रहता हूं, ताकि पीछे की गाड़ी में आने वाले लोगों को और अन्य नागरिकों को प्रदूषण से नुकसान न पहुंचे। Ha 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 ha!
धन्यवाद बचाओ जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर जिसका नाम है आपने क्या देखा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव, ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे लेकिन आप सभी उसे नहीं देख पाएंगे। आप में से दो पार्टिसिपेंट्स की आंखों पर पट्टी बंदी होगी और सिर्फ दो ही देख पाएंगे। तो वो दो लोग जो वो क्लिपिंग देख रहे हैं वो अपने पट्टी बंदे पार्टिसिपेंट्स को पूरी कमेंट्री सुनाएंगे, राइट? तो आप लोग तैयार हैं अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने? अब चूंकि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है वही हमारे सवालों का जवाब देंगे, बाकी लोग नहीं। ऑलराइट? अगर आप अभी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। श्योर? शुड वी गो आउट फॉर द क्लिपिंग? हियर इज द क्लिपिंग। तो ये थी एक छोटी सी क्लिपिंग। अब जिन्होंने ये क्लिपिंग नहीं देखी आंखों पर पट्टी होने की वजह से, वो अब पट्टी उतार सकते हैं। ओके, और अब मैं आपको ये बता दूं कि इस राउंड में हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे और इस सवाल का जवाब कौन सी टीम देगी ये डिसाइड करने के लिए हम आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछेंगे और वो सवाल होगा एक बजर क्वेश्चन, ठीक है? और जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी सिर्फ वही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आपका सवाल है, ये जो क्लिपिंग अभी अभी दिखाई गई ये किस विषय पर आधारित है? सर, प्रदूषण, जो कचरा कूड़ा वगैरह जो घर से बाहर फेंकते हैं उसके कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में दिखाया। गलत तरह से यहाँ पर कचरे को निष्कासित किया जाता है, यहाँ पर अन्य कई प्रदूषणों को भी दिखाया गया है। Well, more or less they are on point. Yes, we give this to you. It is bad practices of waste disposal. गलत तरीके से कचरे को या घूरे को निष्कासित करना। तो अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, वो सवाल जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, रेडी? तो आपको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको जवाब देने के लिए सिर्फ दिए जाएंगे 15 सेकंड। जी हाँ। आपकी हर पॉइंट आपको 50 अंक देगी और जो चीजें छूट गई हैं वो अगर टीम शक्ति बताती है, यानी इन्होंने जो बताया वो नहीं, आपके पास अगर कुछ और है और वो आप बताते हैं तो आपको उसके 50 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि इस वीडियो क्लिपिंग में किस किस खराब तरीके से वेस्ट को फेंकते हुए दिखाया गया। पहले तो सर दिखाया गया है कि घर से जो कूड़ा करकट फेंकते हैं इसको इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं फेंकते हैं। और फिर भी कोई कूड़ा नहीं निकलता है, नदी नाला में जहाँ फेंक देते हैं। और कितने कूड़े करकट को जला देते हैं, जलाना नहीं चाहिए सर। योर टाइम एंड्स नाउ, आपका समय यहीं समाप्त होता है। टीम शक्ति, यू हैव समथिंग डिफरेंट टू से? आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए, शक्ति टीम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाई, लेकिन रक्षक टीम आपने मोर ऑर लेस सभी पॉइंट्स कवर किए, सिर्फ एक पॉइंट आप भूल गए और वो ये था कि जहां जहां पर बोर्ड लगे होते हैं कचरा यहां पर नहीं फेंकना है, वहां पर भी लोग आकर कचरा फेंकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग यू मिस्ड। पर एनीवे, अभी हम चलते हैं बूंद के पास और जानते हैं इस राउंड का स्कोर। इस राउंड में हमारी शक्ति टीम को कोई अंक नहीं मिलते हैं और हमारी रक्षक टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स। वेल, टीम रक्षक ने तो इसका जवाब दे दिया, मगर इस क्लिपिंग को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है वो कुछ इस तरह से है। हम इन क्लिपिंग के माध्यम से आपको इतना समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन को, अपने शहर को, अपने पर्यावरण को आप संभाल सकते हैं, सहेज सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा। जी हाँ, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं संरक्षण समाचार। नमस्कार। बिजली की बचत में सीएफएल जैसा कोई नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की मदद से बैंगलोर शहर के लगभग 15 लाख से अधिक आवासीय उपभोक्ताओं के लिए डायरेक्ट सेल एंड मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम के माध्यम से एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है। स्कीम के तहत बैंगलोर शहर का कोई भी आवासीय उपभोक्ता शहर की 400 दुकानों से अधिक 5 सीएफएल एक साल की वारंटी के साथ सस्ते दामों पर खरीद सकता है। इसके अलावा सीएफएल किस्तों पर खरीदे जा सकते हैं और इनकी कीमत बचाई गई बिजली की कीमत से 9 महीने में अदा की जा सकती है।
सीएफएल का इस्तेमाल घर में जैसे रसोई घर, कॉरिडोर वगैरह जहां हर समय रोशनी की आवश्यकता होती है करके बिजली की बचत की जा सकती है, क्योंकि एक परंपरागत लैंप की जगह सीएफएल का इस्तेमाल करने से 15 रुपये महीने की बचत की जा सकती है। तो आप ये बचत अपने नाम कर सकते हैं सीएफएल का इस्तेमाल करके। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे खास मेहमान आपसे कौन सी खास बात शेयर करना चाहते हैं हमारे सेलिब्रिटी मैसेज में। कल मैंने कॉपी में एक लाइन लिखी तो उसमें कुछ गलती हो गई, मैंने पूरा कागज फाड़कर फेंक दिया तो मेरे दादाजी ने देख लिया, मुझ पर इतना डांट पड़ी कि बस पूछो मत, उनको एक कागज फाड़ने पर इतना गुस्सा आया कि बहुत। फिर मेरे दादाजी ने बताया कि कागज पेड़ काटकर बनाए जाते हैं, इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, कागज के दोनों ओर लिखना चाहिए। आपको मालूम है हम कागज बचाकर अपनी हरियाली बचा सकते हैं। और अब वक्त है उन दर्शकों से रूबरू होने का जो अपने अपने घरों में अपने अपने टीवी सेट्स पर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2010 तक प्रति हजार जन्म पर 45, 2010 तक प्रति हजार जन्म पर 30, 2010 तक प्रति हजार जनसंख्या पर 30, 2007 तक प्रति हजार जन्म पर 45। आपके जवाब हमें इस पते पर 7 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए। PCRA संरक्षण भवन 10 बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 110066। अपने जवाब SMS द्वारा भेजिए 9811771717 पर। सही जवाब भेजने वालों को दिए जाएंगे ढेर सारे आकाशक के नाम भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से। हमारे एपिसोड नंबर 78 के सवाल का सही जवाब है क्षेत्र के पुलिस स्टेशन इंचार्ज द्वारा, और सही जवाब भेजकर इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं प्रदीप कुमार बहराइच से, अमिताभ मित्र अलाहाबाद से ईमेल द्वारा, दीपक राठौर बरेली से SMS द्वारा, संदीप कुमार बहराइच से, पुलकित लाल मुंबई से ईमेल द्वारा, प्रिंस कुमार आजाद बहराइच से, भाविक रनका मुंबई से SMS द्वारा, के चंद्र मौली विजयवाड़ा से, मीरा रानी कुमावत बहादुरगढ़ से ईमेल द्वारा, अंकिता राव बहराइच से, परमिता एस भद्रा पुणे से SMS द्वारा, धर्मवीर हमीरपुर से और संदीप कुमार बहराइच से। इस बार का इनामी पत्र लिखा है शरद शिवाजी जगताप ने उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के 2 फायदे हैं, एक तो इनाम और दूसरा ज्ञान। इस कार्यक्रम के जरिए इन्हें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के कई उपायों का पता चला है। इनका सुझाव है कि हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, खास तौर से बांस के पेड़। और अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड के फाइनल स्कोर जानने का, तो चलिए चलते हैं बूंद के पास। हमारी शक्ति टीम को मिलते हैं 405 पॉइंट और हमारी रक्षा टीम को मिलते हैं 675 पॉइंट। And the guys from Gorakhpur, they score 675 points. Team Rakshak is a winner. हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से ये आकर्षक इनाम। तो साहब रफ्ता रफ्ता चलते चलते आपसे इजाजत लेने की घड़ी आई गई है, लेकिन एक वादा अभी बदस्तूर बना हुआ है, वो ये कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी विद सम मोर एक्साइटमेंट विद सम मोर फन। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।